हेलो फ्रेंड्स, हाईलाइट स्टडी में आपका स्वागत है। मैं रवि वर्मा अपने यूट्यूब चैनल हाईलाइट स्टडी विद रवि प्रकाश में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, मैं आज आपके लिए जो है हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द लेकर आया हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा दीजिएगा। सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दीजिएगा जिससे ऐसे ही नित्य नए वीडियो आपको मिलते रहे। तो हम शुरू करते हैं, जानते हैं पर्यायवाची शब्द होता क्या है, यानी पर्यायवाची किसे कहते हैं। तो पर्यायवाची यानी ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो। पर्यायवाची सरल शब्दों में यानी समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। जैसे पानी को ही ले लीजिए तो उसको जल भी बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं, सलील भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द रखे गए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम सूर्य की बात करते हैं। सूर्य को क्या बोलते हैं? रवि। ये ऐसे सीक्वेंस में रखे गए हैं, ऐसे व्यवस्थित तरीके से रखे गए हैं कि आप लोगों को बहुत शीघ्रता से याद हो जाएगा, याद करने में आसानी होगा। तो सूर्य, रवि, भान, दिनेश, दिनकर, दिवाकर, सूरज, आदित्य, भास्कर, ये हो गया सूर्य का पर्यायवाची। पृथ्वी में आते हैं भू, भूमि, धरा, वसुधा। भू, भूमि, धरा, धरती, वसुधा, वसुंधरा, ये पृथ्वी के पर्यायवाची हो गया। पहाड़ में देखते हैं पर्वत, नग, गिरी, अचल, भूधर, शैल, महीधर। तो इसमें अचल, नग और शैल ये तो याद ही होना चाहिए आपको। वायु के ऑल इंपॉर्टेंट है अनिल, हवा, पवन, समीर, वात, मारु, वायु के सभी महत्वपूर्ण हैं। पक्षी में देखते हैं तो पक्षी को यहीं शुरू करते हैं, पंछी, उड़ जा रहे पंछी। खग, खेचर, खग, खेचर, गगनचर, गगन माने आकाश होता है, आकाश में उड़ते हैं, गगनचर, नभचर, नभ माने भी आकाश होता है, चिड़िया, पतंग, पखेरु और विहंग। आकाश का देखते हैं नभ, गगन, व्योम, अंतरिक्ष, अंबर, गगन, व्योम, अंतरिक्ष, अंबर, आसमान, अनंत भी बोलते हैं आकाश को, अनंत। ठीक है, तो नभ, गगन, व्योम, अंतरिक्ष, अंबर, आसमान, अनंत। चांद का देखते हैं चंद्रमा, चंद्र, शशि, राकेश, मयंक, मार्तंड, शशांक, ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। चंद्रमा, चंद्र, शशि, राकेश, शशांक, मार्तंड, मयंक, ये हो गए चांद के पर्यायवाची। नदी का देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है सरिसरिता, सरिसरिता, तटिना, तरंगिणी, निम्ना और अपगा। तो सरिसरिता, तटनी, तरंगिणा, गिड़ी, निम्ना, अपगा। पुष्प में देखते हैं फूल, सुमन, कुसुम, प्रसून, मंजरी। मंजरी किसका पर्यायवाची है? पुष्प का। ऐसे पूछ लिया जाएगा कि मंजरी किसका पर्यायवाची है? पुष्प का। आंख, लोचन, विलोचन, दृग, अक्ष, नयन, नेत्र, चक्षु, ये दो बार हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं घर का। घर का है गृह, सदन, भवन, आलय, निकेतन, निवास, निकेतन वेरी इंपॉर्टेंट है। जंगल का देखते हैं विपिन, कानन, वन, अरण्य, गहन, कांतार, विहड़। तो इसमें अरण्य, कांतार, विहड़। भंवरा, भंवरक देखते हैं अली, भरमर, भ्रमर, भंवरा, द्युरेफ, सारंग, मधु, मधुकर। नेक्स्ट देखते हैं गद्धा का। भंवरा का सभी महत्वपूर्ण है, अली हो गया इसमें, द्युरेफ हो गया, द्युरेफ को ऐसे भी लिखा जाता है, मधु, मधुकर। नेक्स्ट है गद्धा का, गदहा, गर्दभ, खर, वैशाख, नंदन। तो जो खर है और वैशाख, नंदन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बादल, नीरज, जलद, वारिन, मेघ, घन, जलधर। कमल का देखते हैं, कमल का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके जितने पर्यायवाची हों, जितने शब्द हों याद हो सके, बहुत ही अच्छी बात है। पंकज, पद्म, नीरज, जलज, सरोज, जलजात, रविंद्र, उत्पल, राजीव, सतदल, पुंडरीक, इंदिवर, ये हो गए कमल के पर्यायवाची। तालाब के देखते हैं, यहीं से शुरू करते हैं हम तालाब को। ताल, पोखरा, ताल,
पोखरा सर सरोवर, ताल पोखरा सर सरोवर, जलाशय पुष्कर, जलाशय पुष्कर। रात का रात, रैन रजनी, निशा यामिनी। रात रात्रि, रैन रजनी, निशा यामिनी। अश्व का देखते हैं, वाज घोड़ा घोटक, रविपुत्र है तुरंग। तुरंग किसका पर्यायवाची है? अश्व का। वाज किसका है? अश्व का। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, वाज जो है किसका पर्यायवाची है? अश्व का। सांप का देखें, सर्प नाग विषधर उरग, इसमें उरग नाग उरग ये सांप की पर्यायवाची है। सिंह का देखते हैं, केसरी शेर सारंग वनराज शार्दुल मृगराज, इसमें शार्दुल और मृगराज ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोना स्वर्ण कंचन कनक हेम कुंदन, तो इसमें कनक, कनक कनक ते 100 गुना मादत का अधिकार, कौन सा अलंकार है कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है दूध, दुग्ध क्षीर पय गौरस स्तन। आगे का वेरी इंपॉर्टेंट है, आग अग्नि अनल उतासन पावक वाह कृषाण वैश्वानर, तो इसमें अनल उतासन पावक कृषाण ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पानी का देखते हैं, जल वार नीर तोय सलिल अम्ब पानी पय पेय। इंद्र का देखते हैं, सुरेश देवेंद्र देवराज पुरंदर शक्र। गंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गंगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। सुरसरी तिरपथगा तिरपथगा देव नदी, गंगा को देव नदी भी कहते हैं। जाह्नवी और भागीरथी, भागीरथी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कहा जाता है कि भागीरथी के आग्रह से ही गंगा मैदानी भाग में आई थी, पहाड़ों से हिमालय से। नेक्स्ट यमुना जमुना, यमुना से जमुना, कालिंदी रवि तनया सूर्य तनया, ये यमुना की पर्यायवाची होगी। पत्नी देखते हैं, भार्या भार्या वामा अर्धांगनी सहधर्मिणी गृहिणी वनिता दारा जोरू। पुत्र का बेटा सुत तनय तनुज आत्मज जनज वस नंदन, तो ऐसे जब पुत्री का होगा तो बेटी सुती तनया तनुजा, अगर पुत्र का याद है तो, और ये आत्मजा, तो उसी से ये पुत्री बेटी सुता तनया तनुजा आत्मजा। राजा नृप नृपति नृप नृपति भूपत नरपति महेश, ठीक है। माँ माता जननी अम्बा मात्र। पिता तात, पिता का क्या हो जाए? तात। परम जनक पितृ बाप जन्मदाता। मित्र का सखा सहचर साथी दोस्त, सखा सहचर साथी दोस्त। मनुष्य का नर जन मानो पुरुष आदमी, मनुष्य का क्या हो गया? नर जन मानो पुरुष आदमी, देखिए कितना बढ़िया, नर जन मानो पुरुष आदमी, इंसान इंसान भी होता है। असुर का देखिए, दैत्य दानो राक्षस निशाचर रजनीचर, तो इसमें निशाचर रजनीचर ये असुर के पर्यायवाची है। कपड़ा का देख लेते हैं, वस्त्र वसन चीरपट अंबर, वस्त्र वसन चीरपट अंबर कपड़ा के पर्यायवाची हो गए। संध्या शाम सांझ सायंकाल। भाई का भ्राता सहोदर बंधु, बहन का सहोदरा भगनी बांधवी। शत्रु का, शत्रु इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, रिप अरि अल किसका पर्यायवाची होता है? अभी हम आगे बता चुके हैं, भौरा का। दुश्मन तो शत्रु रिप, लेकिन ये अरि है, अरि और अल में अंतर है, तो शत्रु का रिप अरि और दुश्मन। गाय का गौ धेनु सुरभि, मोर का मयूर सारंग, आम का रसाल आम्र सौरभ अमृत फल। कृष्ण का देखते हैं, राधापत घनश्याम वासदेव माधव मोहन केशव गोविंद गिरधारी बांसुरी वादक, तो ये सब कृष्ण के पर्यायवाची हैं। गणेश के, गणेश भगवान का विनायक गजानन गौरी नंदन, गौरी के पुत्र थे गौरी नंदन, गणपत गणनायक शंकर सुमन लंबोदर एकदंत, लंबा है उदर, उनका पेट लंबा था तो इसलिए लंबोदर हो गए। एकदंत
लंबा है उधर अर्थात गणेश भगवान में कौन सा समास है, ये सब आप कमेंट करके बताइएगा आप सभी लोग। इससे पता चलेगा हाँ आप सीरियसली वीडियो देख रहे हैं, जितने कमेंट आएंगे उतने ही मालूम चलेगा कितने लोग देख रहे हैं। लक्ष्मी, पद्मा, इंदिरा, हरप्रिया, अर्जुन, पार्थ, धनंजय, भारत। अर्जुन का पर्यायवाची क्या हो गया, पार्थ धनंजय, तो ऐसे पूछ लिया जाएगा धनंजय किसका पर्यायवाची, उसमें दे दिया जाएगा अर्जुन, कृष्ण, भीम, ऐसे करके। तो धनंजय अर्जुन के पर्यायवाची। विष्णु के नारायण, जनार्दन, चक्रपाण है, चक्र है जिसके हाथ में अर्थात विष्णु भगवान। विश्वंभर, पीताम्बर, पीला है अम्बर अर्थात विष्णु भगवान, कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया, केशो माधव। नेक्स्ट है पार्वती, उमा, गौरी, काली, शिवा, भवानी। सरस्वती, भाषा, भारती, बाणी, वीणापाड़, शारदा, ब्राह्मी, शारदा, ब्राह्मी, ब्राह्मी आधा ब्राह्मी, वाक, कान का कर्ण, श्रुत, श्रुत पटल, कर्ण, श्रुत, श्रुत पटल, श्रवण स्रोत, श्रुत पुट, तो श्रुत पटल, श्रुत पुट, यानी श्रुत श्रुत वर्ड लगा रहेगा, तो वो कान का हो गया। कामदेव का देखिए कितना अच्छा सीक्वेंस में रखा हुआ है, कामदेव यहीं से आप ले लीजिए आधा, देव को काट दीजिए, काम हो गए, काम, मदन मनोज मनमथ, मदन मनोज मनमथ, अनंग, ये इम्पोर्टेंट, रतिपत और पुष्प धनवा, धनवा, किरण का ज्योति, प्रभा, रश्मि, इसमें रश्मि और दीप्त, किसका है, किरण का पर्यायवाची। नेक्स्ट हमारा जीव, जीवा, बाणी, वाचा, जीव, जीवा, बाणी, वाचा, जबान, रसघा, ये जीव का हो गया। तरवर वेरी इंपॉर्टेंट, यानी पेड़ का वृक्ष, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ना पानी, तो वृक्ष, पेड़, द्रुम, तरु, पादप, तरु वेरी इंपॉर्टेंट है, तरवर। तलवार का असि, कृपाण, करवाल, चंद्रहास। दीन का गरीब, दरिद्र, रंक, अकिंचन, अकिंचन, निर्धन, कंगाल। दोस्तों यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। हाँ और एक बात और है, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें क्या आपका लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।